कुछ लोग होते हैं जो कि रिकग्निशन के पीछे भागते हैं, और कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके पीछे रिकग्निशन भागता है। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, TMT, यूनिटी कॉलेज, ये तमाम चीज़ें आज हमारे सामने हैं, सवाल की तरह नहीं, मिसाल की तरह। कि ये जो कहा जाता है कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, ये बिल्कुल गलत कंसेप्शन है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये डॉक्यूमेंट्री एक ट्रिब्यूट है उस अजीम शख्सियत के लिए जिसने अपनी पूरी हयात और पूरी हयात का एक एक लम्हा एजुकेशन के लिए, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए और सोसाइटी की तरक्की के लिए डिवोट यानी कि समर्पित कर दिया। यूं तो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने अपनी तकरीरों के ज़रिए मुआशरे और समाज में पॉजिटिव माहौल पैदा करने में बहुत अहम किरदार निभाया। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के कुछ काम हमारे समाज में एक अहम मिसाल बन बैठे, जैसे तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट यानी कि TMT, यूनिटी कॉलेज, यूनिटी ITI और हिजा हॉस्पिटल और अलीगढ़ में MU की शक्ल में। सबसे पहले हम बात करेंगे तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट यानी कि TMT पर। TMT was started all with the purpose of funding this, and he then had to look for funds. He was a very practical man. He was a very learned man, but he was a very practical man and a very honest man, a man of great integrity. So he got the funds. Very short, briefly, he got the funds. He started them, working on them. He built this infrastructure. 1975-76 के दौरान कल्बे सादिक साहब ने सर्वे किया महल्ले महल्ले, यानी ये हाता मिर्ज़ा अली ख़ान, मुफ्ती गंज, शीश महल, हुसैनाबाद, पूरे एरिया में 17 उन्होंने खुद सर्वे किया पर्सनली। एक बच्चा उनकी ज़िंदगी में आया जो पढ़ना चाहता था मगर उसके पास मीन्स नहीं थे। उन्होंने उसके लिए स्कॉलरशिप अरेंज की अपने दोस्त के ज़रिए जो कि बॉम्बे बेस्ड थे, और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया और उस आगे ज़िंदगी में जो है उसने बहुत कामयाबियाँ हासिल की। सर, TMT एक सपोर्ट है एजुकेशन सिस्टम का, कि ऐसे बहुत से लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो TMT आपका एक बैकअप है जो आपको, अगर आपको चांद पे जाना है तो वो आपको ले जाएगा। तो ये इनफॉर्मल एफर्ट था, फिर TMT की शक्ल में वही चीज़ फॉर्मलाइज हो गई और फिर यही स्कॉलरशिप जो थी ये और उसकी स्केलिंग होने लगी, ज़्यादातर बच्चों तक पहुंचती रहीं, सिर्फ ग्रेजुएट्स नहीं बल्कि अंडर ग्रेजुएट्स और स्कूल के बच्चों तक भी पहुंची। फिर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो ट्रस्टीज़ और जो लाइक माइंडेड लोग मिले ट्रस्ट को फॉर्म करने में, तो उनका ये आइडिया था कि भाई एक स्कूल भी होना चाहिए जहाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ें। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने यूनिटी कॉलेज की शक्ल में जिस दिए को रोशन किया था, उसका उजाला आज दुनिया के गोशे गोशे में वहाँ के स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स की शक्ल में फैल रहा है, और आज भी ये सिलसिला जारी है। College started, there are about 20 to 30 students were there at the beginning, and now we have got 1950 students presently in our college. शाना बशाना को एजुकेशन में रखा, और उसमें एक बात आई थी और सभी जानते हैं उसको। देखिए, सच्चाई वो होती है जो बिल्कुल जब कही जाए तो सबकी समझ में आने लगे। इट इज द स्पेशल एफर्ट ऑफ जनाब, आई कुड से दैट हैज मेड अस टू मेक वेरी वेरी स्पेशल एफर्ट टू ब्रिंग देम टू द स्कूल। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं
उसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि किस तरह से को करिकुलर डेवलपमेंट पे फोकस करा जाए, और इसी फोकस पे और इसी गोल को लेके वो आगे बढ़ते थे। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं और बाहर भी जितने प्रोग्राम्स होते हैं, कंपटीशंस होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें मोटिवेट करना, बच्चों को मोटिवेट करना, स्कूल्स में आके मोटिवेट करना, सेमिनार्स में जाके डॉक्टर साहब मोटिवेट करते थे, मस्जिदों में मोटिवेट करते थे, मजालिस में जो प्रोग्राम होता था मेंबर से मोटिवेट करते थे। आई हैव सीन फॉर द लास्ट 17 इयर्स आई हैव बीन हियर, इट हैज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज देयर, एंड नाउ दे हैव बीन एबल टू, आई थिंक अबाउट 90-95% स्टूडेंट्स आर रेडी टू कम टू द कॉलेज। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने उन तमाम बच्चों के फ्यूचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जो गुर्बत और गरीबी की वजह से पढ़ाई से महरूम रह रहे थे, और आज भी ये सिलसिला जारी है यूनिटी मिशन स्कूल की शक्ल में, जहां बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। उन्होंने उस बड़ी ज़बरदस्त मजमे पर नज़र रखी कि जिनके पास रुपया नहीं था कि वो पढ़वा सके, मजबूरन वो उनको किसी दस्तकारी या किसी चीज़ में लगाते थे। वो बाज़ लोग ना होंगे मगर अक्सर इसीलिए कि हमारे इस्तेतात नहीं है, हम पढ़ा सकें, वी आर नॉट एबल टू गिव प्रॉपर एजुकेशन। उस वक्त जरदोजी का दौर चल रहा था, आरी जरदोजी का दौर चल रहा था, गरीबी थी, लोग कुछ बच्चे हुनरमंद थे जो कि अगर उनको अगर मौका मिलता, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला और मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन बहुत से बच्चे उस वक्त भी मेरे सामने ऐसे थे जो तालीम हासिल करते और कुछ ना कुछ वो करते, पोजीशन लेते अच्छी, और ज़रिए माश लोगों के पास इतना नहीं था। आरी जरदोजी में फौरन आदमी जाता था, बच्चों को बिठा दिया, 10 साल की एज हुई तो बच्चों को बिठा दिया जाता था और कुछ ना कुछ पैसे कमाना शुरू कर देते थे। कल्बे सादिक साहब ने जो है ये मुहिम जब शुरू की तो लोग जो थे वो अपने आप को जो है बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे, लिटरेसी लेवल कौम का जो था बहुत नीचे था, अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी हुई थी, ज़्यादातर बच्चे जो थे जब बड़े होते थे तो वो आरी दरदोजी से या दीगर कामों से मुंसलिक हो जाते थे ताकि वो कुछ रोटी रोजी कमा के घर ला सकें। ये सेकेंड शिफ्ट हमारी अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है, जो बच्चे अपनी पढ़ाई खुद से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो फीस नहीं दे सकते थे, उन बच्चों के लिए मौलाना साहब ने ये स्कूल खोला और आज इस स्कूल में 1500 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। इसमें हमारा नर्सरी से लेके हम लोग पढ़ाते हैं क्लास 12 तक बच्चों को एनरोल कराते हैं, दूसरे स्कूल्स में भी एनरोल कराते हैं, जिस हिसाब से बच्चे का जो कैलिबर होता है उसको हम लोग उस तरह से स्कूल्स में एनरोल कराते हैं। और बच्चे यहाँ पर सिर्फ इंटर तक ही नहीं बल्कि जो हमारा ट्रस्ट है TMT वो इनकी पढ़ाई को आगे भी स्पॉन्सर करता है, हम इनको लखनऊ के बेस्ट कॉलेजेस में एनरोल कराते हैं ताकि इनकी पढ़ाई आगे भी हो सके। मुझे लगता है हमारे बच्चों में भी बेइंतहा कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है, बस उनको मौका नहीं मिल पा रहा था पढ़ने का, और अब यहाँ उनको मौका दिया जा रहा है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए, उनको अलग अलग इवेंट्स में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है और टैलेंट की कमी उनमें है नहीं, तो वो बच्चे बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और जब वो दूसरे स्कूल्स में एनरोल किए जाते हैं तो वो उन बच्चों से भी कहीं से भी कम नज़र नहीं आते। पढ़ाई को इग्नोर ना करें क्योंकि पढ़ाई एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक अहम चीज़ है, मौलाना साहब ने तो पूरी ज़िंदगी इसी पर काम किया है
और उनकी वजह से आज इतने बच्चे तालीम याफ्ता हो गए हैं। तो मेरा तो मैसेज पेरेंट्स के लिए यही है कि वो पढ़ाई को इग्नोर ना करें। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने एजुकेशन के साथ साथ हमेशा इस बात का भी ख्याल रखा कि उनका ज़रियाए माश यानी बच्चों का सोर्स ऑफ इनकम को कैसे मुमकिन किया जाए। तो यूनिटी कैंपस में ही आईटीआई की शक्ल में मल्टी स्किल्स के कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड कराने का भी इंतज़ाम किया गया। देखिए, आईटीआई को समझने के लिए इंजीनियरिंग एजुकेशन का पूरा सिस्टम समझना होगा। एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप इंजीनियरिंग एजुकेशन को तीन हिस्सों में बांटें तो एक होती है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन इंजीनियरिंग की, जिसमें आप आईआईटीज एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह के बारे में सुनती रहती हैं। इसके बाद फिर एक सेकेंड स्टेज होती है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, फिर तीसरी स्टेज होती है आईटीआईज, जिसमें आप इस वक्त यहाँ बैठी हुई हैं। आईटीआई से निकले हुए बच्चे स्किल्ड लेबर से थोड़ा ऊपर और इंजीनियर से थोड़ा नीचे, यानी वो लोग जो ग्राउंड पर काम करते हैं, वो जो सोचा गया है या जो डिप्लोमा करने वाले लोग आपसे करवाना चाहते हैं। तो आईटीआई जो है वो बेसिकली स्किल्ड सुपर स्किल्ड वर्कर्स हमको प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, इसी को आईटीआई कहते हैं। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हिजा के नाम से खोला, जहां सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। यूनिटी कॉलेज बना, यूनिटी स्कूल बना, यूनिटी कॉलेज बना, यूनिटी मिशन स्कूल उसी ज़माने में हिजा बना। उन्होंने कहा कि जब तक के जिस्म सही वसालम नहीं होगा, किताबें क्या समझ में आएंगी। ये हॉस्पिटल अल ईमान ऑर्गेनाइजेशन जो बॉम्बे की है और तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के जॉइंट एफर्ट का नतीजा है। ये 1991 के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसको मौलाना कल्बे सादिक साहब मरहूम ने फुल फ्लेज तौर के ऊपर अपने इख्तियार में लिया था। इस चैरिटेबल हॉस्पिटल में फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त 5 MBBS डॉक्टर हैं, 4 BOMS डॉक्टर काम करते हैं, 1 फिजियोथेरापी यूनिट है, 2 आप्थो के डॉक्टर हैं। यहाँ मरीजों को फ्री में देखा जाता है। डॉक्टरों का पेमेंट हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से ही किया जाता है। हमारे मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का एक ख्वाब था कि इस समाज में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत महंगी हैं, आवाम उसके खर्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से इस चैरिटेबल हॉस्पिटल को कायम किया गया था, ताकि न सिर्फ आवाम के पसमानदा लोगों को इसकी इसका फ़ायदा हो, बल्कि जितने भी हमारे यहाँ क़ुर्ब जवार के लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाए हैं। इस चैरिटेबल हॉस्पिटल में हमारे मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का ख्वाब ये पूरा हो गया है कि अब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जिंदगी ऐसे गुजारो कि लोग तुमसे मिलने की तमन्ना करें और बाद मरने के लोग तुम्हें तलाश करें। ये कुर्सी जो है ये आप इस वक्त खाली देख रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी अजीम शख्सियत से पुर होती थी कि जिसने सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा और आलम तशैयों का नाम बढ़ाया। अवार्ड जब पद्मा भूषण अवार्ड लेने जा रहे थे तो मुझे अपने पर फ़ख्र हो रहा था कि मैं ऐसी आलमी शख्सियत और ऐसी तारीख साज शख्सियत का बेटा हूँ कि जिसने एक अलग रास्ता इख्तियार किया और भीड़ से हटकर अपनी पहचान बनाई, और फ़कत पहचान नहीं बनाई बल्कि हर कम्युनिटी, हर फिरके
और हर समुदाय में जो उनकी इज्जत और जो इनका एहतराम है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और इसमें उनका अखलाक, उनकी इनकसारी, उनका झुक कर मिलना और उनकी सादगी सब उसमें शामिल हैं। तो मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि मैं ऐसी शख्सियत का बेटा हूँ। डॉक्टर साहब ने पद्म भूषण अवार्ड के जरिए हमारी मिल्लत का सर बुलंद किया है।